जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं अली रज़ा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्राइड वाइज। जैसा कि आपको बताया, जुम्मे का दिन और आपका भाई इधर नेशनल कार पर आया हुआ है, तो यहाँ हर जुम्मे वाले दिन मुख्तलिफ गाड़ियाँ आती हैं सेल होने के लिए। तो आ रही हैं, आपको दिखाते हैं इधर कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हैं यार, क्या क्या डिमांड चल रही है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक आल्टो मौजूद है, 2010/11 10 का मॉडल, और 11 की इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, लेकिन इधर नंबर प्लेट पर इन्होंने 12 लिखी हुई है, बोलो रजिस्टर गाड़ी है। तो आ रही हैं, आपको इसकी फ्रंट से लुक वगैरह दिखाते हैं। ये ज़रा डस्ट वगैरह आई हुई है, तो उस वजह से आपने ये नहीं समझना कि गाड़ी रफ है। बाकी आप इसकी फ्रंट से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। ये इधर से ज़रा इसका मिरर जो था, ये ब्रेक है। तो इस गाड़ी की जो थी आल्टो की VXR की इधर डिमांड की जा रही है, वो तकरीबन 12,75,000 रुपया। तो बाकी आप इंटीरियर गाड़ी की लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। गाड़ी मुकम्मल सीलों में, किसी किस्म की गाड़ी की कोई सील नहीं डिस्टर्ब है, नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है, और सीटें भी जो थी आफ्टर मार्केट चेंज करवाई गई हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं फैब्रिक्स की। और 12,75,000 रुपया इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। आपको पता है जो था सुजुकी का टॉप ऑफ द वेरिएंट आल्टो की डिमांड चल रही है, वो तकरीबन 30 लाख के अराउंड बाउंड है। ये 10 मक्का मॉडल है, और इसकी जो थी 12,75,000 रुपया डिमांड की जा रही है। बाकी आप इसके बैग से सीटें वगैरह चेक कर सकते हैं, और टायर वगैरह की कंडीशन भी बैग चेक कर लें, जो कि बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, अलॉय व्हील नहीं है, सिंपल रिम टायर है। बाकी आप इसके बैग से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, लाहौर रजिस्टर है। तो अब हमारे पास ये एक टोयोटा करोला GLI मौजूद है। जब से पता है आपको गाड़ियों के रेट्स बढ़े हैं, तब से जो सी ये GLI और अल्टस वगैरह की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है। बाकी आप इसके फैक्स लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। इस्लामाबाद जी सर गाड़ी है, बैक कैमरा वगैरह इंस्टॉल है, टोयोटा करोला GLI, और बाकी टायर वगैरह की कंडीशन आपके सामने, जो कि 70-80% अच्छी कंडीशन में, अलॉय व्हील भी लगे हुए हैं। और इस गाड़ी की जो सी इस वक्त इधर डिमांड की जा रही है, वो तकरीबन 24 लाख रुपया, 2014 का मॉडल है, और 15 की इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। बाकी आप इसके ये डोर्स वगैरह की कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं। इंटीरियर भी नीट एंड क्लीन है, स्टैंडर्ड साइज़ का एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, चारों विंडोज़ इसकी पावर है। बाकी ये सीलें आप इसकी चेक कर सकते हैं, गाड़ी मुकम्मल सीलों में। ये आप इसके कब्जे वगैरह चेक कर लें। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये डोर दिखा सके, यहाँ पर ये क्रोम की पट्टी लगाई गई है, और नीचे भी इधर से, जो कि बड़ी प्यारी लुक देती है, जो कि आफ्टर मार्केट लगवाई गई हैं। 2014 का मॉडल है, और 15 की रजिस्टर है इस्लामाबाद की, और 24 लाख रुपया इस GLI की इधर डिमांड की जा रही है। बाकी ये बम्पर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से है इधर, यहाँ पे पटीन लगाई गई है। होंडा सिविक है, 2010 का मॉडल है, और 11 की इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन हुई है, और इसका नंबर भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि बड़ा VIP नंबर है, सिर्फ 3। 2011 की रजिस्ट्रेशन है, और इस गाड़ी की जो थी इस वक्त इधर डिमांड की जा रही है, वो तकरीबन 19,50,000 रुपया। अगर ये गाड़ी को तकरीबन इधर 1 मंथ हो गया हुआ है, तो तब इसकी जो थी 1 महीना पहले इस गाड़ी की जो थी डिमांड थी, वो तकरीबन 18.5 लाख रुपया थी, आप जो कि 19.5 लाख रुपया इधर की जा रही है। बाकी आप इसके फ्रंट से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, सिल्वर कलर में, बड़ी नीट एंड क्लीन गाड़ी है तो ज़रा ओल्ड मॉडल, लेकिन उस हिसाब से काफ़ी अच्छी कंडीशन है। बाकी आप इंटीरियर वाली गाड़ी की लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड, एंड्रॉयड पैनल वगैरह इंस्टॉल है, चारों विंडोज की पावर है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, लेदर पुशेज हुई हुई हैं, और बाकी आपको बैग से भी जो सीटें वगैरह हैं वो भी चेक करवा देते हैं। बाकी आप इसके बैग से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। 1800 CC गाड़ी है, टर्बो स्विक। तो अब हमारे पास ये एक इधर एवरी मौजूद है, 2013/17 का मॉडल, और 17 की इस गाड़ी को इधर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। बाकी आप इसके फ्रंट से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, सेफ्टी गार्ड मौजूद है, और इसका जो था इधर ये मिरर, इसका ब्रेक है यहाँ से भी और यहाँ से भी। और इस गाड़ी की जो इधर डिमांड की जा रही है, तकरीबन 17,50,000 रुपया, जो कि फाइनल नहीं, आपको इसमें से वो कमी पेशी कर देंगे। बाकी आप इसके फ्रंट से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन गाड़ी है, बड़ी प्यारी किस्म की, और सिल्वर कलर में। बाकी आ रही हैं, आपको इंटीरियर वाइज भी गाड़ी की लुक वगैरह चेक करवा देते हैं। बाकी किसी किस्म की गाड़ी की कोई सील नहीं डिस्टर्ब है, गाड़ी मुकम्मल सीलों में है, जापानी डब्बा है। और आपको वैसे भी पता है, जिन भाइयों ने फैमिली यूज़ के लिए लेनी है, वो ज़्यादातर जो सी ऑटो ट्रांसमिशन के साथ होती है गाड़ी, उसे पसंद करते हैं, और जिन्होंने रेंट के लिए यूज़ करनी होती है, वो ज़्यादातर मैनुअल में पसंद करते हैं। बाकी आप इसकी ये इधर से भी चेक कर सकते हैं, और ये कब्जे वगैरह चेक कर लें, सीटें वगैरह चेक कर लें, फोल्डिंग सीट है इसकी, ये आप चेक कर सकते हैं इधर से, ये देखें। और इस गाड़ी की जो इधर डिमांड की जा रही है, तकरीबन 17,50,000 रुपया। बाकी टायर वगैरह की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, और सिंपल रिम है इसके, और व्हील कैप भी मौजूद है, और लाहौर रजिस्टर है।
तो अब हमारे पास एक और एवरी मिलेगा 2012/17 का मॉडल है और 17 की इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन हुई हुई है और 16,50,000 रुपये इसकी डिमांड की जा रही है। बाकी आप इसके फ्रंट से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। बम्पर जरा इधर से ज़रा इसका रफ है और सेफ्टी गार्ड भी मौजूद हैं। बाकी टायर वगैरह की कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हैं जो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। यहाँ ज़रा है ये चेक करें आप, यहाँ से टचिंग है और रस्ट है हल्की बुल्की गाड़ी में। बाकी आ रहे हैं आपको इंटीरियर वाले भी गाड़ी की लुक वगैरह चेक करवा देते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एंड्रॉयड पैनल वगैरह इंस्टॉल है। नीट एंड क्लीन सीटें हैं। बाकी आप ये चेक करें स्लाइडिंग डोर, नीचे से भी किसी किस्म की कोई रस्ट नहीं है। ये गाड़ी मुकम्मल सीलों में है, ये देखें आप, और सीटें भी इसकी मुकम्मल हैं। तो ये एक और हमारे पास निसान क्लिपर NV100 मौजूद है, 2017 का मॉडल और 22 की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन हुई है। ये सुजुकी और निसान में तकरीबन लोगों का ही फ़र्क है, ओवरऑल सेम टू सेम गाड़ी हैं ये, लेकिन जो थे हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर भाई जो थे सुजुकी एवरी को पसंद करते हैं बनिस्बत निसान के। ये 2017 का मॉडल और 22 की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। सिल्वर कलर में 24,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बाकी आप इंटीरियर वाला गाड़ी की लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है, स्टैंडर्ड साइज का एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल है, ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है, ब्रांड न्यू पुशीज हैं। बाकी ये आप इसकी ज़रा सीलें वगैरह चेक कर लें, यहाँ से ज़रा हैं डिस्टर्ब हैं थोड़ी सी, ये चेक कर लें। बाकी आप नीचे से इस गाड़ी की कंडीशन चेक कर लें, सीलें इसकी चेक कर लें और बाकी सीटें वगैरह चेक कर सकते हैं। जो थे फ्रंट के डोर हैं जो थे ये आप चेक कर लें, वो पावर हैं। और इस गाड़ी की जो थी इस वक्त इधर डिमांड की जा रही है तकरीबन 24,50,000 रुपया। तो अब हमारे पास ये एक टोयोटा एक्वा मौजूद है। बाकी आप इसके बैक से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। इस्लामाबाद जी सर गाड़ी है, नीट एंड क्लीन है, ज़रा डस्ट आई हुई है गाड़ी पे, उस वजह से आपने ये नहीं समझना कि ये भी गाड़ी रफ है, नीट एंड क्लीन गाड़ी है। बाकी आज के टायर वगैरह की कंडीशन चेक कर सकते हैं जो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, लाइव भी लगे हुए हैं। तो बाकी इंटीरियर वाली गाड़ी की लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। फैब्रिक्स की सीट्स हैं, और बॉडी कलर में इसके जो से ये हैंडल हैं। 2014 का मॉडल, 18 की इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है और 35,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बाकी आप इसका डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं, एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल है, पावर स्टेयरिंग है, चारों विंडोज इसकी पावर है, नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है, टू टोन कलर में जो कि बड़ी प्यारी इंटीरियर वाली गाड़ी को लुक देता है। बाकी आप इसकी फ्रंट से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं, ओवरऑल नीट एंड क्लीन है। बस यहाँ से हल्के से ज़रा ये हैं, अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो, हल्के हल्के से दब हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमारे पास ये एक मूव मौजूद है, टोटल यानी फुल ऑप्शनल गाड़ी है। बाकी आप इसके फ्रंट से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। तो 2017 का मॉडल और 22 की गाड़ी को रजिस्ट्रेशन नहीं है। बाकी आप इसके फ्रंट से लुक वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आ जाएँ आपको इंटीरियर वाले भी गाड़ी की लुक वगैरह चेक करवा देते हैं। ये क्रोम के हैंडल हैं और बाकी आप इंटीरियर गाड़ी की लुक वगैरह चेक करें, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू अभी तक गाड़ी में जेन्युइन स्मेल ने तक मौजूद है। जो कि गाड़ी को बिल्कुल ही ब्रांड न्यू की लुक देती हैं, चारों विंडोज इसकी पावर है, क्रोम के ये इंटीरियर वाज भी हैंडल हैं, ये चेक करने ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है। वैसे भी आपको पता हमारे जो थे पाकिस्तानी भाई हैं वो जापानी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी रोड पे ग्रिप और जो सी पेट्रोल एवरेज है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वैसे भी आप कहने हैं कि पेट्रोल के रेट्स कम होने जा रहे हैं, तकरीबन 40-50 रुपया कम होंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी गाड़ी पसंद आती है तो आप मोटर वालों के साथ रब्ता कर सकते हैं, जो कि नेशनल कार्स वालों का नंबर है सरदार शाह साहब का 03-02-952-0070 और 03-00-462-6049। जो कि हाफिज अब्दुल्ला साहब का नंबर है 03-04-240-2299। तो आप इन नंबर पर किसी भी वक्त रब्ता करके अपनी डील वगैरह बना सकते हैं। तो अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं आप साथ अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।